बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। लाहौर फूड पॉइंट में आपको खुश आमदीद है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 kg चिकन लिया मैंने, 3 मीडियम साइज़ के छोटे टमाटर हैं जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, 4 अदद प्याज है जिनको बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है, यहाँ पर 1 बाउल में दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च अदरक साबुत है, धनिया लेमन ये गार्निशिंग के लिए है। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक जाएगा इसमें, सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 अदद जाएगा इसमें दालचीनी के पीस, 4 से 5 अदद लौंग और 1 कड़ी पत्ते का। इसमें हम सुरख मिर्च नहीं ऐड करेंगे, ये हम हरी मिर्च और काली मिर्च की कढ़ाई बनाएंगे। इधर मैंने कढ़ाई में जो ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो रहा है। अब इसमें साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको प्याज को लाइट गोल्डन कलर का करेंगे। जी हमारा जो प्याज है वो गोल्डन शेड में आ चुका है, हमें इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। और साथ ही हम इसमें थोड़ा चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें साथ हम नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। जी हमारे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अपने जो सब स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। सब ऐड करने के बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल के इसको स्टीम दे देंगे, इसको ढक देंगे कि चिकन जो हमारे और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब तक ये गलता नहीं है तब तक हम इसका वेट करते हैं। अच्छा तो हम अपना चिकन चेक करते हैं। जी हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को मैंने बीट कर लिया था अच्छी तरह से। बीट करने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, साथ ही अपनी हरी मिर्चें और अदरक जो है बारीक कटा हुआ ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आप इसके अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। आप अपने स्पाइस के हिसाब से, अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो हरी मिर्चें और काली मिर्च आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा तो अभी इसकी भुनाई बाकी है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट और लगेंगे भुनाई करते हैं, क्योंकि हमारा अच्छे से चिकन भुना जाए, मसाला अच्छी तरह से भुना जाए और ये खुश्क हो जाए। जी हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। इसमें पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, घी है सिर्फ, घी में अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है। आप ये कढ़ाई बनाएं, आप लाहौर की बट कढ़ाई को भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है और साफ़ सुथरी बनती है। आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बनेगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा तो मैंने चिकन कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है।
ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी मज़े की लग रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे इसको। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।